Hello everyone, guys, this is Rohit Agrawal. Welcome to Study Fusion. गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो गाइज व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो गाइज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो गाइज जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है। गाइस सपोज करिए दिस इज मीडियम वन, दिस इज मीडियम टू। गाइस ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है और ये सरफेस है जो दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो गाइस यहां पर एक लाइट रे आई, वो इंसिडेंट हुई। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से आई और वो इंसिडेंट हुई दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो ये उसकी सरफेस हो गई। अब क्या होगा, लाइट रे स्ट्रेट नहीं जाएगी, वो क्या करेगी गाइस, वो अब बेंड कर जाएगी अपने पाथ से। ठीक है, कोई सा भी उसका पाथ हो सकता है लेकिन अब वो इस पाथ को फॉलो नहीं करेगी। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। गाइस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ सरफेस फिनोमिना। याद रखिएगा रिफ्रैक्शन मीडियम में बीच में नहीं होता, सिर्फ बाउंड्रीज पर होता है। ठीक है, अब इस मीडियम के अंदर लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ को ट्रेवल करेगी लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो मीडियम के सरफेस पर लाइट क्या करेगी, अपने पाथ को चेंज कर लेगी। ठीक है, तो गाइस ये चीज याद रखिएगा। गाइस अब हम रीजन समझेंगे कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो डायरेक्शन क्यों चेंज करती है, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो गाइस उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। गाइस लाइट की जो स्पीड होती है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो गाइस इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ तीन मीडियम को कंसीडर करेंगे, एयर, वाटर एंड ग्लास। तो गाइस जो स्पीड ऑफ लाइट होती है एयर में वो होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, वाटर में स्पीड होती है लाइट की 2.25×10^8 मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में जो स्पीड होती है एयर लाइट की दैट इज 2×10^8 मीटर पर सेकेंड। तो गाइस यहां पर आप देख रहे हैं कि जो लाइट है उसकी जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में डिफरेंट है। तो गाइस एयर, वाटर, ग्लास में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें है, एयर में। यस, तो लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर देन इन वाटर और इन ग्लास। ठीक है, तो जो लाइट है वो सबसे ज्यादा किसमें ट्रेवल करती है, कट है। तो गाइस लाइट सबसे फास्ट ट्रेवल करते एयर में क्योंकि उसकी स्पीड एयर में सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर एंड ग्लास। गाइस अब हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ डेंसर एंड रेयरर मीडियम, क्या होता है डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। अ मीडियम इज सेट टू बी ऑप्टिकली डेंसर। गाइस मीडियम को हम ऑप्टिकली डेंसर कब बोलेंगे, जब लाइट की स्पीड कम हो रही हो। ठीक है, एंड इट इज सेट टू बी रेयरर इफ लाइट स्पीड्स अप इन इट। तो गाइस अगर मीडियम में लाइट की स्पीड डिक्रीज हो रही है तो वो मीडियम हो जाएगा डेंसर, और अगर मीडियम में लाइट की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वो मीडियम हो जाएगा रेयरर। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेंसर एंड रेयरर। तो गाइस अभी हमने तीन मीडियम में लाइट की स्पीड को डिस्कस किया, एयर, वाटर एंड ग्लास। तो गाइस अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात करूं तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सबसे ज्यादा किसमें थी, एयर में, देन वाटर, देन ग्लास, राइट।
तो ग्लास में स्पीड सबसे कम है और एयर में स्पीड सबसे ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम, अगर लाइट की स्पीड कम होगी तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर। तो गाइस वी कैन से एयर टू ग्लास जब हम मूव करेंगे तो ऑप्टिकली डेंसिटी जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जब हम एयर से ग्लास की तरफ मूव करेंगे तो जो डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इट मींस एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन वाटर एंड ग्लास। तो एयर क्या हो गया, एयर में स्पीड सबसे ज्यादा है तो एयर रेयरर हो गया एज कंपेयर टू वाटर एंड ग्लास, इन तीनों मीडियम में। और गाइस जो ग्लास है वो कैसा हो गया, वो डेंसर हो गया एज कंपेयर टू एयर एंड वाटर। लेकिन अगर मैं बात करूं वाटर क्या है, तो गाइस वाटर डेंसर होगा एज कंपेयर टू एयर। जब हम वाटर को एयर से कंपेयर करेंगे तो वाटर में स्पीड लाइट की कम है तो वाटर कंसीडर होगा डेंसर। लेकिन अगर मैं इसी वाटर को ग्लास के रेस्पेक्ट में कंसीडर करूं तो यही वाटर क्या कहलाएगा, रेयरर मीडियम कहलाएगा, क्योंकि वाटर में जो स्पीड होती है एज कंपेयर टू ग्लास वो ग्रेटर होती है। तो गाइस बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर स्पीड ज्यादा है तो वो रेयरर मीडियम होगा, स्पीड कम है तो वो डेंसर मीडियम होगा। इसके अलावा कोई सा भी मीडियम डेंसर भी हो सकता है और रेयरर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम उसको किस मीडियम के रेस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं। तो गाइस ये हो गया कंसेप्ट ऑफ रेयरर एंड डेंसर। गाइस अब आपको एक और चीज समझनी है, चेंज ऑफ मीडियम कॉजेस पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्रीज ऑफ टू मीडिया। गाइस क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब है गाइस ये सरफेस है जो सेपरेट कर रहा है दो मीडियम को, तो जब भी कोई भी लाइट रे फॉल करेगी ट्रांसपेरेंट मीडियम में तो कभी भी क्या नहीं होगा, 100% रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्या होगा, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, तो यही बोल रहा है चेंज इन मीडियम causes partial reflection and refraction at the boundaries of two media. तो guys हमेशा याद रखिएगा, perfectly reflection नहीं होता, perfectly refraction नहीं होता। जब भी light ray एक transparent medium से दूसरे transparent medium में जाएगी तो वहां पर reflection भी होगा और refraction भी होगा। guys अब हम कुछ cases देखने वाले हैं जहां पर हम light को ट्रेवल कराएंगे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो गाइस जो फर्स्ट केस है वो क्या है उसको देख लेते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम आर रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम क्या होगा, तो गाइस सबसे पहले तो याद कर लीजिए, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो क्या करेगा, बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगा तो वो बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। चलिए गाइस इसको समझते हैं। तो गाइज ये हो गई एक सरफेस ट्रांसपेरेंट मीडियम की, ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट हुई। गाइज दिस इज रेयरर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम, ठीक है। गाइज यहां पर हमने क्या करा, एक नॉर्मल ड्रॉ करा, ठीक है। अब जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करेगी तो क्या होगा, लाइट स्ट्रेट नहीं जाएगी, वो बैंड करेगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये कहां बेंड कर रही है गाइस, ये बेंड कर रही है टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है, याद रखिएगा। गाइस यहां पर रिफ्लेक्शन भी होगा, वो मैं आपको शो नहीं कर रहा, यहां पर रिफ्लेक्शन भी होगा। गाइस दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। गाइस अब आपको एक और चीज याद रखनी है, जब भी लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इस केस में जो एंगल आर होगा वो लेस होगा एंगल आई के,
एंगल आर जो होगा वो एंगल आई से छोटा होगा, क्योंकि गाइस अगर मैं मैथ्स लगाऊं तो ये हो गया मेरा एंगल आई वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो गाइस ये एंगल क्या हो गया, तो गाइस पाथ जो लाइट का था वो ये था, उसने चेंज कर लिया, तो गाइस ये हो गया डेविएशन। और ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो कैसे निकालेंगे, तो गाइस उसको निकालेंगे हम एंगल आई माइनस एंगल आर करके, तो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो गाइस ये हो गया फर्स्ट केस जहां पर लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, और इसमें वो कैसे बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। गाइस दिस इज सेकंड केस व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, और इस केस में वो कैसे बेंड करेगी, इस केस में वो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलिए गाइस इस केस को भी समझते हैं। तो गाइस ये मेरा डेंसर मीडियम है, ये मेरा रेयरर मीडियम है, ये लाइट इंसिडेंट हुई सरफेस पर, लाइट को जाना था स्ट्रेट, ठीक है, लेकिन ये लाइट अपना पाथ चेंज कर लेगी, इस केस में लाइट बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो गाइस ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पूरा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो गाइस इन दिस केस जब भी लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी वो बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, और इस केस में जो एंगल आर होगा वो ग्रेटर देन होगा एंगल आई के, ठीक है। गाइस दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट रे, वो बैंड कर गई तो इतना उसने डेविएशन शो करा। तो गाइस इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन होगा एंगल आर माइनस एंगल आई, ठीक है गाइस। तो गाइस ये हो गए दो केसेस, फर्स्ट केस जब लाइट रे ट्रेवल कर रही है रेयर टू मीडियम, तो गाइस इसको हम याद रख सकते हैं आर डी टी, जब लाइट रे रेयर टू डेंसर मूव करेगी तो वो बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, इसको याद कर सकते हैं डी आर ए, जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर मूव करेगी तो वो मूव करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो गाइस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं। अब हम देखेंगे थर्ड केस। तो गाइस थर्ड केस इज अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया पासिस अनडेविएटेड। गाइस इसका मतलब है अगर लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो वो अनडेविएटेड बिना अपने पाथ को चेंज करे क्या कर जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी। चलिए गाइस इसको भी देखते हैं। तो गाइस ये हो गया हमारा बाउंड्री, ठीक है, और यहां पर लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। तो गाइस क्या होगा अगर ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, या फिर ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, गाइस इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो लाइट रे है वो अनडेविएटेड स्ट्रेट पास हो जाएगी फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है गाइस। तो इस केस में बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगा। गाइस अब आप में से कोई सोच सकता है कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो गाइस इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो जीरो। तो इन दिस केस एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, That's why angle of deviation is zero. तो guys इस केस में कोई भी deviation नहीं होगा क्योंकि angle I और angle R दोनों zero होंगे और दोनों equal होंगे। तो guys अब हम देखेंगे cause of refraction, क्यों होता है refraction, क्यों light ray एक medium से जब दूसरे medium में जाती है तो bend करती है। Cause of refraction, when a ray of light passes from one medium to another medium, its direction change. Reason, because of change in speed of light one medium to another. तो guys, light ने bend क्यों किया, light ने अपना path change क्यों किया, simple, जब भी light एक medium से दूसरे medium में जाएगी तो उसकी speed change हो जाएगी, already हमने speed पढ़ा था light का अलग अलग medium में, तो जब light एक medium से दूसरे medium में जाती है तो उसकी speed change हो जाती है, due to change in speed लाइट क्या करती है अपने पाथ को भी चेंज कर लेती है, ठीक है गाइस। नोट फॉर एंगल आई इक्वल्स टू जीरो, एंगल आई इक्वल्स टू जीरो,
द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस. ऐसा नहीं है कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं हो, इसमें भी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है, बट द डायरेक्शन ऑफ लाइट डज नॉट चेंज. लेकिन इस केस में लाइट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही. तो जब भी लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करेगी, लाइट की स्पीड चेंज हो रही है लेकिन लाइट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है. गाइस अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है. तो कौन कौन से फैक्टर चेंज होते हैं, कौन कौन से फैक्टर चेंज नहीं होते. तो गाइस याद रखिएगा, When a ray of light passes from rarer to denser, अगर light ray rarer से denser medium में जा रही है तो उसकी speed क्या करेगी, decrease करेगी, यानी कि speed change हो जाएगी. When it is passes from denser to rarer medium, जो speed होगी light की वो क्या कर जाएगी, increase कर जाएगी. तो rarer से denser में जाने पर speed of light decrease कर जाती है, denser से rarer में जाने पर speed of light increase कर जाती है. पता नहीं मैं क्यों भूल गया, कट है ये, है ना, मैं बता दूंगा जस्ट. तो गाइस जब भी लाइट रेयरर टू डेंसर जाएगी तो उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाएगी, और जब भी लाइट रे डेंसर टू रेयरर जाएगी लाइट की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है. इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑल्सो चेंजेस. तो गाइस रिफ्रैक्शन में लाइट की वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, बट इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज्ड. लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है. याद रखिएगा, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कौन कौन से फैक्टर चेंज होते हैं. तो गाइज स्पीड चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, एंड वेव लेंथ चेंज होती है. क्या चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती और टाइम पीरियड चेंज नहीं होता. ठीक है. अब गाइस स्पीड में क्या चेंज आता है उसको समझते हैं. जब भी लाइट रेयरर टू डेंसर मूव करेगी तो उस केस में जो लाइट की स्पीड है, स्पीड क्या कर जाएगी, स्पीड डिक्रीज कर जाएगी. लेकिन लाइट जब डेंसर टू रेयरर मूव करेगी तो उस केस में स्पीड इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है गाइस. तो याद रखिएगा कौन से फैक्टर चेंज होते हैं, कौन से फैक्टर चेंज नहीं होते, और स्पीड कैसे चेंज होती है. तो गाइस ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. हमने देखा जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कैसे बैंड करती है, जब रेयरर टू डेंसर में जाती है, डेंसर टू रेयरर में जाती है तो किस तरीके से बैंड करती है, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो चेंज होते हैं जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है. गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.